नमस्कार मित्रों, मैं हूँ जयश्री और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हनुमान जी के जीवन की अनसुनी कथा पे बात करेंगे और अकबर को कैसे हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया था वो भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं। सुमेरराज केसरी और अंजनी की कोई संतान नहीं थी। वो दुखी होकर एक साधु के पास गए। साधु ने कहा, भगवान वेंकटेश्वर की प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। तब उनकी प्रार्थना से भगवान वेंकटेश्वर प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि वायुदेव आपको एक बहुत शक्तिशाली पुत्र देंगे, आप उसका नाम हनुमान रखना, जो वायु पुत्र होगा। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार को हनुमान जी पूजा पाठ का विशेष महत्व है। हनुमान जी के पास जन्म से ही अपार शक्तियां थी और सभी देवताओं ने भी उसको शक्ति दी थी, लेकिन हनुमान जी बचपन में बहुत ही शरारती थे। एक बार तो वो सूर्य भगवान को भी निकल गए थे। वो आश्रम में ऋषि मुनियों को बहुत ही परेशान करते थे, उन पर पेड़ पौधे फेंकते थे और उनकी तपस्या में भी विघ्न डालते थे। इसलिए मतंग ऋषि ने हनुमान जी को श्राप दिया था कि वो अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, जब कोई उसे याद दिलाएगा तभी उसे याद आएगा। जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र लांघने की बात आई तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई और हनुमान जी ने सीता जी को खोज लिया। हनुमान जी की तीन पत्नियां भी थी। पहली थी सूर्यदेव की पुत्री सुर्वचला। सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद सूर्यदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हनुमान जी से करवाया था। वरुण ने और रावण का युद्ध हुआ था जिसमें रावण की ओर से हनुमान जी ने युद्ध किया था और वरुण देव के सभी पुत्रों को बंदी बना लिया था। तो वरुण देव ने अपनी पुत्री सत्यवती और रावण ने अपनी दुहिता अनंग कुसुमा का विवाह हनुमान जी से करवाया था, लेकिन हनुमान जी सामान्य जीवन से कभी खुश नहीं थे। उनका जीवन का उद्देश्य मात्र परमार्थ की प्राप्ति रहा। तीन विवाह होने के बाद भी वो सदा ही ब्रह्मचारी ही रहे। लाला मैया अंजनी का, ओ लाला मैया अंजनी का, श्री राम का दीवाना है। लाला मैया अंजनी का, लाला मैया अंजनी का, श्री राम का दीवाना है। राम जी के चरणों में बस इनका ठिकाना है। लाला मैया अंजनी का। हनुमान जी हमेशा से ब्रह्मचारी ही रहे, लेकिन हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। जब हनुमान जी ने अपनी पूछ से रावण की लंका दहन की थी, उसी दौरान लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला से उनको तेज पसीना आ गया था। पूछ में लगी आग बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में पहुंच गए। तब उनके शरीर से पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया, जिस कारण मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए तो उसे काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो वानर जैसा दिखता था। बाद में उसे पाताल का द्वारपाल बना दिया गया था। हनुमान जी का सिंदूर का रहस्य भी बता देते हैं। माता सीता जी एक बार सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हो। तब माता सीता ने कहा, सिंदूर लगाने से स्वामी प्रसन्न होते हैं, इसलिए हनुमान जी ने भी राम जी को प्रसन्न करने के लिए सारे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आई है। पुरुष ही हनुमान जी को सिंदूर लगा सकते हैं, स्त्रियां हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर सकती है क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। हनुमान रामायण की रचना। भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौट गए थे। इसके बाद हनुमान जी हिमालय पर शिव आराधना के लिए चले गए। तब उन्होंने अपने नाखूनों से प्रभु श्री राम के कर्मों का उल्लेख हिमालय की पर्वत शिलाओं पर करते हुए हनुमंत रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि शंकर जी को अपनी लिखी रामायण दिखाने गए तो
तो उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखित हनुमंत रामायण देखी। उसे देखकर वाल्मीकि निराश होकर सोचने लगे कि घोर परिश्रम के बाद भी हनुमंत रामायण के सामने उनकी रामायण कुछ भी नहीं है, इसलिए आने वाले समय में उनकी रामायण उपेक्षित रह जाएगी। तब हनुमान जी ने अपनी रामायण श्री राम जी को अर्पित करते हुए हनुमंत रामायण को समुद्र में फेंक दिया। तभी से हनुमान जी द्वारा लिखित रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी को अजर अमर का वरदान भी मिला था। रामायण में यह लिखा है कि माता सीता ने हनुमान जी को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, और ये भी वरदान दिया था कि एक समय पर अनेकों जगह पर हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि धरती पर जहाँ भी राम नाम का स्मरण किया जाता है वहाँ वीर बजरंगी पहुँच जाते हैं। हनुमान जी आज भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धरती पर जीवित रहते हैं। चार युग प्रताप तुम्हारा है, परसीत जगत उजियारा। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के भी दर्शन हुए थे। जब अकबर ने तुलसीदास जी की राम भक्ति पर संदेह करके उनको कारागृह में डाल दिया था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की महिमा और उनका भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की और 40 दिन तक उसका निरंतर पाठ किया और प्रार्थना करने लगे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अस्त सीति नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। अस्त सीति नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तब 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला बोल दिया। तो अचानक हुए हमले से सब अचंभित हो गए, लेकिन अकबर समझ गया, उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई और तुलसीदास जी से उसने माफी मांगी और जीवन भर तुलसीदास जी से मित्रता भी निभाई। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ रोज शुद्ध मन से 7 बार करे या 1 बार भी करे, लेकिन शुद्ध मन से करे, तो हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है और उनको जो चाहे वो मिलता है। हनुमान चालीसा में ही लिखा है, ये 7 बार पाठ करे कोई, छूते ही बंदी महासुख होई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द बहुत ही शक्ति और भक्ति प्रदान करने वाला है।
हनुमान जी की भक्ति से राम कृपा की प्राप्ति होती है। तुम्हारो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो हम सब पर हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।